पंजाबी चैनल वेख रहे समूह दर्शकों का स्वागत है। यूपी के लखीमपुर च कल वापरे हादसे च मारे गए चार किसानों के विरोध च अज फाजिलका के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का संयुक्त किसान मोर्चे वालों घिराओ किया गया। इस संयुक्त किसान मोर्चे को वख-वख किसान जथेबंदियों के आगुओं ने संबोधन किया अते लखीमपुर च वापरी घटना की सख्त निंदा की। किसान आगुआ ने तीन खेती कानूनों तुरंत रद्द कराने की मांग को दोहराते हुए कहा कि केंद्र की सरकार बाबर की सरकार तो भी वध करतूतों भरा रवैया दिखा रही है। आओ वेखते हाँ होर की कुछ क्या किसान आगुआ ने, जुड़े रहो इस वीडियो के आखिर तक। बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त, जिदी तवक्को नहीं सी कीती आज जल्दी गया। साड़ी पूरी कांग्रेस इंग्लैंड दे विच बैठी सी, सानू आजाद करो। हरी जी अज क्यों किया यार प्रदर्शन, कारण की? देखो जी, जो बीजेपी सरकार ने यूपी दे विच लखीमपुर दे विच जो साढ़े नियते किसानां ते जो जुलम किया, जो कि शांतमई तरीके दे नाल विरोध कर रहे सी, उन्हां दे जिहड़ा एक MP दे बेटे द्वारा जिहड़ा उपर उन्हां दे गड्डियां चढ़ाईआं गईआं, शरेआम जिहड़े उन्हां नूं पिस्तौल विखाए गए, लगभग 8 जिहड़े साढ़े किसानां नूं जिहड़ा उत्थे शहीद कर दिता गया। सो उहदे विरोध दे विच अज संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों पूरे हिंदुस्तान दे विच 10 बजे तों लै के 1 बजे तक जिहड़े वख-वख हैडक्वार्टरां जिला हैडक्वार्टरां दे विच जिहड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, और नाल जिहड़ा बीजेपी सरकार नूं इक चेतावनी दित्ती जा रही है कि जिहड़ा बीजेपी कलौणा जिहड़ा काम कर रही है, इक मैं कहांगा जल्लियांवाले बाग का जिहड़ा कांड है दूजी बार जिहड़ा दोहराया गया है, क्योंकि हुण जिहड़ी सरकार दे पूरी तरह मुखलाई हुई है, सरकार पूरी तरह घबराई हुई है, किसानां ने पूरे देश दे विच बीजेपी दीआं जिहड़ियां जड़ां नूं हिलाउण दा जिहड़ा काम कीता, सो बुखलाहट दे विच आ के बीजेपी जिहड़े इहो जिही गुंडागर्दी ते उतर आई है। सो असीं संयुक्त किसान मोर्चा इन्हां दी जिहड़ी साफ शब्दां दे विच असीं निंदा करदे हां। किसान अंदोलन नूं काफी लंबा समां बीत चुक्या, इस बारे की कहना तुहाडा? देखो शुरू तो एक गल करो, जो चले सी इको मन दे विच धार के चले सी, जां तां तीन काले कानून जिहड़े उह रद्द होणगे, उन्नी देर तक जिहड़ी साडी घर वापसी नहीं होगी। ये भावें सानू 10 साल उत्थे बहना पिया, पर उन्नी देर तक पिछे नहीं हटांगे जिन्नी देर तक तीन काले कानून ने जिहड़े रद्द नहीं हो जांदे, और नाल दी नाल पूरे देश दे विच्चों बीजेपी सरकार दा सी सूपड़ा जिहड़ा साफ नहीं कर दिंदे, उन्नी देर तक साडी घर जिहड़ी वापसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दे शहर दे अंदर किसानां नूं नहीं प्रदर्शन करन दित्ता जाएगा। देखो असीं आदर करदे हां मानयोग सुप्रीम कोर्ट दा, साडे देश दी सर्वोच्च अदालत है, पर मैं किते ना किते सुप्रीम कोर्ट ते भी जिहड़ियां निशानियां सवाल जिहड़े उह लगावांगा। सुप्रीम कोर्ट भी किते ना किते जिहड़ा सरकार दा जिहड़ा पक्ष पूरी है, सुप्रीम कोर्ट नूं इह नहीं देख रहा भी एक साल तो जिहड़ा किसान ने उत्थे किन्ने दुख दे विच बैठे ने, सुप्रीम कोर्ट नूं इह भी देख रहा भी फौरन जिहड़ा सरकार ते एक्शन लै के तीन काले कानून ने जिहड़े उह रद्द किते जाण और सरकार नूं जिहड़ी उह ताड़ना पाई जावे। तो मैं कहांगा अज देश दी हर एक जिहड़ी अदालत है उह सेंटर सरकार दे इशारे ते जिहड़ा काम कर रही है। पिछले दिन ही जिहड़ा पंचकूला विच किसानां ते वी लाठी चार्ज होया जो अपने फसल दी इक्वाली नूं लै के, उहदे संबंधी तुहाडा की कहना? देखो बीजेपी वालियां दा शुरू तों एक निशाना रहा दंगे करा लो, क्योंकि इह गुंडे ने सारे, खुद जिहड़ा लखीमपुर दा जिहड़ा MP है खुद इह गल कहिंदा कि मेरा तुसीं MP बनन तों पहलां मंत्री बनन तों पहलां मेरा पुराना इतिहास नहीं तुसीं वेख्या। सो बीजेपी वालियां दा पुराना इतिहास रहा इह गुंडियां दी नक्सलियां दी अतवादियां दी जिहड़ी इह पार्टी है, सो इहदे विच प्रधानमंत्री वी शामिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद जिहड़ा मुख्यमंत्री गुजरात दे हुंदे होए सैकड़े जिहड़े लोकां दा जिहड़ा कतलेआम जिहड़ा करवाया उत्थे दंगे करा के। सो मैं कहांगा इह पूरी जिहड़ी सरकार है गुंडियां दी अतवादियां दी जिहड़ी सरकार है। कुछ महीनां बाद विधानसभा दे इलैक्शन ने, उहदे संबंधी किसान दा की पक्ष होएगा? देखो बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चे दा स्टैंड क्लीयर है, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਨੀਲੇ ਮੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जे किसानां दीआं तैशी हुंदीआं इह पार्टियां अज अपने जिहड़े झंडे छड्ड के साडे नाल इत्थे धरने दे विच आ के शामिल हुंदे। अज कोई डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र दित्ता जाणा है? बिल्कुल, अज जो संयुक्त किसान मोर्चा दे वल्लों डिप्टी कमिश्नर द्वारा जो प्रधानमंत्री नूं जिहड़ा मंग पत्र उह भेजिआ जाणा है कि जिहड़ा उन्हां गुंडिआं ने जिहड़ा साडे किसानां दा कतलेआम कीता उन्हां ते 302 दी जिहड़ी बनदी कारवाई करके उन्हां नूं तुरंत जिहड़ा सलाखां दे पिछे जिहड़ा भेजिआ जावे। नाम की है तुहाडा? सूबा मीत प्रधान मनप्रीत सिंह संधू भारतीय किसानां दे कातियां। असी जो लखीमपुर खीरी विच कल साडे किसानां दा एक शांतमई ढंग नाल जो प्रदर्शन कर रहे सी आपदा, क्योंकि मेरी उत्थे घटना दे बारे जुत्थी च गल हुई साडे उत्थों दे बंदिआं नाल, ते उहनां दे असी प्रधान जी इह जिहड़ा 5-7 दिनां तों जिहड़ा उत्थों दा ये मंत्री सीगा विधायक सीगा वो बड़ा उलझलूल बोल रहा सीगा भी असी जो ये गां किसानां इत्थों बाहर कर देंगे वो कर दें कर दें उहदा कल जदों साडे किसानां ने हैलीपैड इहदा घेरिया घेरिया जिथे डिप्टी सी एम इन्हां दे डिप्टी मंत्री ने उतरना सीगा जदों उत्थे साडे किसानां ने घेरिया उस तो बाद जो सारा कुछ होने तो बाद आपो अपने घरां नूं जा रहे सीगे आपदे घरां नूं किसान मुड़ चले सी मुड़दिआं ते इह जिहड़ा केंद्रीय मंत्री दा टैनी दा जिहड़ा मुंडा आ उन्हें एक 15-20 गड्डियां लैके असला बहुत लैके एक थार गड्डी जो गड्डियां साडे किसानां दे उत्ते चढ़ाईआं साडे किसानां दा उत्थे कुछ कतल हो गया ते कुछ साडे किसान मरराऊ भी पए आ उत्तों असीं उहदी बेपुरजोर शब्दां दी निंदिआ करदे आ। जेकर इह आपदीआं चालां तों ना बाज आए छेती तों छेती इहनां ने उह टैणी दे मुंडे दे ते टैणी दे नाक कारवाई कीती असी अगे तिखे इहदों वी तिखे जो अज हिंदुस्तान च 3 घंटे दा रोस आ असी गा तिखे विरोध से उतरने मजबूर होवे जो संयुक्त मोर्चा कल देगा भावें तो सानू इत्थे रोड़ी जाम करने पए ते भावें यूपी नूं भी राकत तनियां पईआं इह संयुक्त मोर्चे दे अपणांगे। एक मैं खट्टर नूं दस देना चाहुंना भी आपदी तू शब्दावली माड़ी बोल ला जिहड़ी कल तू शब्दावली कही है ना भी 8-10, 800 वलंटियर पैदा कर लो ये वलंटियर पैदा कीते ते लभणे नहीं गए सानू अज भी सानू साल हो गया साडे किसानां ने एक फुल दी टहिणी तक तोड़ी है जिन्ना भी असी सानू साडे आगुआं ने शांतमई संघर्ष करन लई सानू समझाया साडी अगवाई कीती आ असी शांतमई जो संघर्ष करदे आ सानू ना मजबूर करन जिहड़े वलंटियर वालियां गल्लां ही ना करे इहनू भुगतणियां पै सकदियां। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿਖਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਣਾ ਘਟਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਤੌਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਰ ਆਪਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਲਾਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮੀਤ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਲਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਲੜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਤਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ
इनू कतलनामा सरकार कहते हैं, जिमें कलाण के हो उस तरह यह अच्छ हो जो खट्टर सरकार है जो साढ़े भाई जी ने कहा है कि यह जो बयान दे रहा है ये बयान बड़े निंदन योग ने, यह बयान असं एडवेयर तो भी इस माड़े समझे पर असी इस गल का कोई असी शांत भी ना जवाब देंगे। किसान मोर्चे ने कदे भी अज तक कि फुल भी किसी नहीं मारे। मैं रुपेंद्र सिंह सुखर ट्रेड यूनियन आगू। कल की जी घटना यूपी दे विच योगी सरकार दे राज विच हुई आ वो बड़ी निंदन योग आ और इतों ये पता लगता है कि देश की केंद्र की मोदी सरकार जी इखलाकी तौर से हार चुकी आ। देश का सारा दिवाला निकल चुकया, आर्थिक तौर पर देश को कमज़ोर कर दिता गया, सारे अदारे बेचे जा रहे हैं और कारपोरेटों होर लाभ पहुँचाने लिए हूँ सरकार जिहड़ा देश का माहौल खराब करके अपने गैर संविधानक जिहड़े नज़रिए नाल कम्मां दे नाल इस अंदोलन नूं जिहड़ा आ उह कमज़ोर करन दा यतन कर रही है। पर यह अंदोलन एक ऐसा विराट रूप धार चुका है, यह नहीं रुकण वाला। केंद्र की मोदी सरकार जरूर देश की सत्ता तो लांबे हो जाएगी आर एस एस की और जोड़े राह पही आ, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लड़ाई के कोई रोल नहीं इस पार्टी का आर एस एस का और अंग्रेजा के उस वेले मुखर के तौर पर काम करते और जो आज़ादी मिली सी उस आज़ादी को ये अज रोलन से लगे हुए आ। जिस तरह देश की जनता का हाल कर दिता आ, किन्ने करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों को कुछ होर जात पात के नाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाँ पर कितने पाकिस्तान का हुआ दिखा दे, कितने चीन का हुआ दिखा के जिहड़े यत्न कर रही है, पर यह कोई भी हुण रुकण वाली गल नहीं है, क्योंकि लोग देश के लोग जिहड़ी आ वह महंगाई तो तंग ने, लोग रुजगार भालते ने और लोग जिहड़े आ जिहड़े खेती के जिहड़े काले कानून लैके आए आ कारपोरेटां दे इनू वापसी की मांग कर रहे हैं। इस करके आने वाला जो समय होर अंदोलन वड्डे होंगे, तिखे होंगे, लोग लड़ाई के मैदान में ने, लोगों ने मन बना लिया कि इस देश की सत्ता तो पासे करनी, मोदी सरकार हर हीले लड़ना होगा, लड़ांगे। धन्यवाद।